हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई होप ऑल आर डूइंग वेल। बात करेंगे सिंटेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड शेयर के बारे में। सस्पेंड है शेयर NSE BSE दोनों से। CIRP फाइल हो रखी है रेजोल्यूशन प्लान के लिए NCLT अहमदाबाद ब्रांच में। रिजल्ट आ चुका है Q1 June एंड का, तो रिजल्ट डिस्कस करेंगे एंड जानेंगे कंपनी ने क्या इम्प्रूवमेंट है, क्या ग्रोथ है, बिजनेस प्लान क्या है, एक्सपेंसेस क्या है। सो फ्रेंड्स, 468 करोड़ रुपीज़ अटके हुए हैं रिटेल इन्वेस्टर्स के शेयर में। शेयर सस्पेंड है, केस चल रहा है कोर्ट में, तो सिर्फ डेट्स पे डेट्स मिल रही हैं। तो बट कंपनी एक रनिंग है, बिजनेस रनिंग है, तो डॉक्यूमेंट ओपन कर लेते हैं एंड आपको समझा देती हूँ कि रिजल्ट कैसा आया है कंपनी का जून क्वार्टर का। कंपेयर करेंगे लास्ट क्वार्टर से और लास्ट ईयर जून से। सो फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए एक कंपनी बंद नहीं हुई, कंपनी का एक रनिंग बिजनेस है। मुकेश अंबानी जी इस कंपनी को लेना चाहते हैं, उन रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव्ड है कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स से, बट NCLT की तरफ से अटका हुआ है। सो टेक्सटाइल सेक्टर का एक पैनी स्टॉक है, आप सबको पता है। तो अगर मुकेश अंबानी जी एक्वायर कर लेते हैं तो इनको अपनी आलोक इंडस्ट्रीज़ को चलाने में काफ़ी बेनिफिट होगा। सो दिस इज़ अ डॉक्यूमेंट। सो फ्रेंड्स, रिजल्ट आपको समझा देती हूँ। अप्रूवल ऑफ अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट ऑफ द कंपनी Q1 June एंड। 1 बजे मीटिंग हुई थी एंड 2:15 तक मीटिंग चली है और रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। सबसे पहले जानेंगे टोटल इनकम। सो आपको बता देती हूँ, टोटल इनकम आई है 928 करोड़ की इस क्वार्टर में। पिछली पार्ट थी 1070 करोड़ एंड लास्ट ईयर जून में थी 487 करोड़। तो लास्ट ईयर से तो बड़ी है बट लास्ट क्वार्टर से कम हुई है थोड़ी सी। अब एक्सपेंसेस कितने हुए हैं कंपनी के। सो फ्रेंड्स, जितनी टोटल इनकम है उसके कंपैरिजन एक्सपेंसेस एंड टैक्सेस ज़्यादा हुए हैं। तो एक्सपेंस आए हैं 1134 करोड़ के इस क्वार्टर में। पिछले क्वार्टर में थे 1189 करोड़ के और पिछले साल थे 656 करोड़ के। तो एक्सपेंसेस काफ़ी ज़्यादा हुए हैं इस बार। तो अब मेन चीज़ जानते हैं कि प्रॉफिट कितना हुआ है कंपनी को। तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है, बता दो एक लॉस मेकिंग कंपनी है तो कंपनी को लॉस ही हुआ है, प्रॉफिट की बात बहुत दूर की है। तो जो कंपनी को लॉस हुआ है वो है 206 करोड़ का लॉस जून क्वार्टर में। पिछले क्वार्टर में था 121 करोड़ का लॉस और पिछले साल था 169 करोड़ का लॉस। तो लॉस बड़ा है लास्ट क्वार्टर में भी के कंपैरिजन भी और लास्ट ईयर के कंपैरिजन भी। तो कंपनी एक लॉस में जा रही है और लॉस बड़ा है, तो रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया, उस अकॉर्डिंग EPS भी ज़्यादा नेगेटिव हो गया है। तो अगर आप समझे, इन शॉर्ट में 206 करोड़ का लॉस हुआ है कंपनी को जून क्वार्टर में। तभी तो इनके ऊपर इतना डेप्ट था फ्रेंड्स। कंपनी एक लॉस मेकिंग कंपनी है एंड मुकेश अंबानी जी एक्वायर करना चाहते हैं एंड आलोक इंडस्ट्री के साथ इसे मर्ज करके अपने बिजनेस को रन करना चाहते हैं। सो अब आप रिजल्ट समझ गए होंगे, रिजल्ट आ गया है। अब नेक्स्ट जो अपडेट है वो उसके लिए हमें 5th of September तक का वेट करना पड़ेगा। 5th of September को आएगा कि नेक्स्ट हियरिंग है जो NCLT की, उसमें क्या हुआ। तो फ्रेंड्स, आप खुद समझदार हैं, जब इसका मार्च क्वार्टर उसके पहले सारे क्वार्टर्स में लॉस आ रहा था तो आपको ऐसे शेयर में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए थी। ऐसे शेयर्स डीलिस्ट होने के चांसेस होते हैं, सस्पेंड होने के चांसेस होते हैं, चाहे बाद में रीलिस्ट हो भी जाए बट उस टाइम के लिए आपके लिए हमेशा रिस्की होते हैं। तो हमेशा एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी में ही इन्वेस्टमेंट करें जिनका बिजनेस हमेशा प्रॉफिट में आता है, चाहे 4-5 करोड़ प्रॉफिट आए बट एक बिजनेस। सो हमेशा प्रॉफिट मेकिंग कंपनी में इन्वेस्टमेंट कीजिए ताकि आप सेफ रहें। अब तो जो इन्वेस्टर्स फंस चुके हैं उन्हें सिर्फ नेक्स्ट डेट का वेट करना है। जो भी डिसीजन NCLT लेगी वो आपको मानना ही पड़ेगा, चाहे डिसीजन कोई भी हो। सो रिजल्ट समझ लीजिए, लॉस और बढ़ गया है कंपनी का। थैंक यू।